सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो कुछ इस टाइप से आप लोगों को फ़ोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर आफ्टर वगैरह देख ही सकते हो। तो आपको गाइस करना क्या है, पहले फर्स्ट में इस बैकग्राउंड को आप शेयर करना है पिकार्ट में। कहाँ पे शेयर करना? पिकार्ट में। पिकार्ट में शेयर हो जाने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद गाइस ओपन हो गया हमारा बैकग्राउंड। तो आपको करना क्या है, पहले तो ऐड फोटो में जाएंगे। फर्स्ट में अपने मॉडल को ही सिलेक्ट करना है और कुछ इस टाइप से यहाँ पे कर लेना है, बिल्कुल मेरी तरह। तो इतना करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, इस इरेजर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। पहले तो हम इसे इरेज कर लेते हैं। आप इरेज करने के बाद हार्डनेस को कम, साइज को फुल कर लेना है, और आपको फोटो को जिस टाइप से छोटा करके आपको ऐसे चला लेना है ब्रश को। तो इतना करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक कर देना है, थोड़ा सा नीचे कर सकते हो। तो राइट नहीं क्लिक करना है गाइस, फिर से ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद इस बिंज को ले लेना है पहले, और लेने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पे एडजस्ट करना है। और एडजस्ट करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, लेयर बोलते हैं सर। तो मूव डाउन कर देना है इसे। जैसे मूव डाउन करेंगे गाइस, आपका फ़ोटो बिल्कुल सेट, मतलब ये सेट हो जाएगा। तो इसको एडजस्ट कर लेना अच्छे से जहाँ आपको ठीक लगे। तो इतना एडजस्ट कर लेना है और आपको फिर से ऐड फोटो में जाना होगा। तो यहाँ और भी पीएनजी ऐड कर लेता हूँ, तो इसको ले लेना और इसको ले लेना और ऐड कर लेना। तो पहले हम इसको यहाँ साइड करेंगे और इसको इस टाइप से यहाँ ले लेना और इसे चल लगा लेना। तो इतना करने के बाद इसको ओपेसिटी थोड़ा सा कम कर लेना, कुछ 92 रख लेना। अब इसको ले लेना है, आपको ब्लेंडिंग पे जाना होगा, स्किन कर देना है। स्किन करने के बाद गाइस आपको एडजस्ट पे जाना है। एडजस्ट पे जाने के बाद इस सिचुएशन को सिलेक्ट करके 100 कर लेना, और यहाँ से देख लो ब्लैक एंड वाइट हो गया, मतलब वाइट कलर में हो गया। तो इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, अच्छे से लगा लेना। तो इतना करने के बाद आपको अब यहाँ से राइट क्लिक कर देना। जैसे राइट क्लिक करेंगे गाइस, एक और पीएनजी ऐड करेंगे, शैडो। तो शैडो को हम बड़ा बड़ा ऐड कर लेते हैं। फिर ये रहा हमारा शैडो, तो इसे ऐड करना है और इस टाइप से बड़ा करके आपको नीचे टाइप में ऐसे कुछ लगा लेना है। तो लगा लेने के बाद गाइस आपको थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो इतना कम करने के बाद गाइस यहाँ से राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से फ़ोटो को सेव कर लेना है। फ़ोटो को सेव करने के बाद गाइस हमारा फ़ोटो सेव हो चुका है, तो हम उसे लाइटरूम में ओपन कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा फ़ोटो अभी एडिट किया है, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं गाइस। इस फ़ोटो का जो भी बैकग्राउंड पीएनजी या प्रीसेट जो भी होगा, मैं आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपको ज्वाइन होके डाउनलोड करना पड़ेगा गाइस। सो हमें लाइटरूम ओपन कर लेना है। तो लाइटरूम ओपन हो जाने के बाद गाइस, जैसे कि हमारा फ़ोटो ऐड हो चुका है, देख सकते हो। तो आपको करना क्या है गाइस, पहले तो इसको हम कॉपी सेटिंग करेंगे इस टाइप से। आपको इसका प्रीसेट दे दूंगा गाइस, आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते। तो 3 डॉट पे जाकर आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, कुछ इस टाइप से करोगे, देख सकते हो आप बिफोर आफ्टर। तो इतना करने के बाद आपको आप शेयर वाले आइकन पे जाना है और सेव टू डिवाइस पे सिलेक्ट करके सेव कर लेना अपना फ़ोटो। सो आई होप गाइस आप लोग को फ़ोटो एडिटिंग पसंद आया हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।